हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि जब बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगती है तो आप इस प्रकार स्नैक्स बना के आप दे सकते हो। स्नैक्स क्या है, बच्चों का ज़्यादातर शाम के समय क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं? तीखी चीज़ें, या तो उनको गोलगप्पे चाहिए, दही बल्ले चाहिए, या मतलब ठीक ही कोई भी चीज़ हो, और ज़्यादातर तो मोमोज की ज़िद करते हैं। जबकि मैंने 2-3 बार ट्राई कर दिया है, मैंने बनाए भी है मोमोज, लेकिन फल फ्रूट वो खाते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं आज फिर दोबारा पास्ता बना रही हूँ। ये देखो, ये पास्ता मैं उबाल रही हूँ, पास्ता उबाल दिया है। उसके बाद ये सारी हैं, ये कट कर लिए हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, और थोड़ी सी डालेंगे दही। दही से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसी पास्ते में, और थोड़ी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है दोस्तों। और हाँ, मेरा तो मन कुछ और था खाने का, क्योंकि मेरा कई बार मन होता मीठा खाने का और कई बार होता तीखा खाने का। तो मैं ये देखूँ, ये देखो पास से देखो क्या है दोस्तों। ये है सामकिये के चावल, जिसकी मैं खीर बना लूँगी, क्योंकि दूध तो उबल चुका है। थोड़ा सा डाल लूँगी सामक उसमें और बना लूँगी फटाफट खीर, क्योंकि खीर खाना मुझे पसंद है, खीर। चलो दोस्तों, बना देती हूँ मैं पास्ता, और मैं साथ साथ आपको दिखा भी देती हूँ कैसे। तो चलो जी, किचन में लग गई हूँ मैं काम करने के लिए। तो काम कर रही हूँ मैं ये सब, तो मैं आपको पास्ता दिखाऊंगी कि पास्ता मैं किस प्रकार बनाती हूँ पास्ता, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पास्ता बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है दही डालकर। तो चलो, ये पास्ता मेरा उबल चुका है अच्छे से, इसको मैं अब निकाल लूँगी पानी से, और इसको एक बर्तन में मैं निकालूँगी, क्योंकि मैंने इसको उबालते वक्त इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिए थे तेल के, जिससे चिपकेगा नहीं और ये अलग खिला खिला सा रहेगा। और नमक डाल के उबालेंगे तो इसमें इनके अंदर जब नमक चला जाएगा ना, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो कभी भी आप पास्ता मैक्रोनी वगैरह उबालें या चाउमीन वगैरह उबालें, तो आपने क्या करना है, उबालते वक्त उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दे, जिससे वो पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के, मतलब जो भी आप बना रहे हो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। तो चलो दोस्तों, ये मैंने निकाल दिया, और गर्म पानी में डाल दूँगी अपने सिंक में, जिससे कि नाली ब्लॉकेज नहीं होएगी। और बाहर बहुत ज़्यादा शोर है और रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए क्या करूँ। और अब मैंने डाल दिया इसमें जीरा अच्छे से, और गैस चूल्हे बना रहे हैं तो गैस को मंदी रखें, और मैं इलेक्ट्रिक चूल्हे बना रही हूँ तो मैंने इसको बिल्कुल मंदा रखा हुआ है। और इसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के अच्छे से भून लेना आप लोगों ने, और जब ये अच्छे से भून जाएगा उसके बाद इसमें और कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ी सी बहुत चीज़ और डाली है। पहले तो मैं निकालूँगी मसाला, ये हक्का नूडल्स मसाला है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और ये आता है 10 रुपये का पैकेट। और मेरा मतलब रेट बताने का मतलब ये है कि हम कोई होता है कि भाई ज़्यादा रख लेता है, डब्बिया ला ला के रखता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जो भाई जिनके इतनी क्या कहूँ मैं, जो हैं लापरवाह बोल देते हैं, मैं लापरवाह जो होते हैं वो लोग ऐसे करें, ये पाउच वगैरह जो है खरीद खरीद के लाए। और इससे आप आसानी से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बड़े लोग ही बना के खाते हैं, हम नॉर्मल लोग भी बना के चीज़ें हम खा सकते हैं, क्योंकि आसानी से आजकल हर चीज़ पाउच में मिलने लगी है, छोटा बड़ा पैकेट मिलने लगा है। अब इसी तरीके से हर इंसान खरीद सकता है, कहने का मतलब है कि इसी तरीके से हर इंसान छोटा बड़ा अमीर गरीब खरीद के अपना खाने का मज़ा इस तरह उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल पाउच में हर चीज़ सस्ती मिलना शुरू हो गई है। तो मैंने पूरा पैकेट डाल दिया था इसमें, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, उसी पैकेट में थोड़ा पानी डाल के घोल के भी डाल दिया है, तो इसको अब मैं उबलने दूँगी। इसके बाद इसमें घर की बनी हुई दही डालूँगी 2-3 चम्मच, और ये बिल्कुल गाढ़ी दही है, इसको डाल के फटाफट फेंट लेंगे, नहीं तो ये फट जाएगी। इसको फेंटने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें,
इसमें डाल लेंगे हम ये उबला हुआ पास्ता जो मैंने अभी निकाल के रखा था पानी से। और दोस्तों आप कैसे बनाते हैं वो भी मुझे एक बार बता देना कि आप किस प्रकार बनाते हैं। मैं तो इसी प्रकार बना के खिलाती हूँ बच्चों को क्योंकि इस प्रकार ही अच्छा लगता है। और मैं कोई फालतू सॉस वगैरह तो डालती नहीं हूँ, कम सॉस वाला एक अच्छा से पास्ता मैं रेडी करके बच्चों को दे देती हूँ जो इनको बहुत पसंद आता है और मुझे भी पसंद आता है। मैं भी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा मैं खा ही लेती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे तो थोड़ी सी सोया सॉस, ये देखें क्योंकि मैंने दही डाली तो मैं इसमें थोड़ी सोया सॉस और डाल दूँगी। विनेगर मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि दही मैंने डाली हुई है पहले। तो इसको मंदी गैस पे अच्छे से भूनते रहना। ये देखो मैंने तो बंद किया हुआ है और ये बन के रेडी हो गए, देखिए टेस्ट और स्वादिष्ट सा। तो दोस्तों अब खाने के बाद किचन में बर्तन हो जाते हैं और बर्तन में मैं धो दूँगी क्योंकि किचन को साफ रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और इस प्रकार ही अपने घर का सारा काम मैं निपटाती रहती हूँ दोस्तों, सारे दिन इसी काम में बीत जाता है। तो चलो जी किचन विचन साफ़ हो गया, अब शाम का खाना बनाएंगे। और ये देखिए अब किचन साफ़ करने के बाद थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं तो उनको धोने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके 2-3 बार धो ही देती हूँ और इसके बाद फिर और काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं व्लॉग कैसा बनाती हूँ ये आप मुझे बताना, और मैं किस प्रकार घर में रहती हूँ वो भी मुझे बताना, और मेरे सूट का स्टाइल कैसा लगा वो भी बताना, और ये सूट मुझे अच्छा लग रहा वो भी बताना आप लोग। दोस्तों जी मैंने देख दिखा दिया आप लोगों को मैं क्या क्या करती रहती हूँ सारा दिन। तो दोस्तों जी अब चलती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे फिर दोबारा एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।